और इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाटा नैनो के लिए कौन सा टायर साइज ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो बहुत लोग ना पूछ रहे थे मेरे से कि हमें टाटा नैनो का साइज जो है टायर साइज वो अपग्रेड करना है तो कौन सा करें। तो सबसे पहले ना मैं आपको टाटा नैनो का वो दिखा देता हूँ टायर साइज। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम सुबह के कितने बज रहे हैं, 6 बज चुके हैं। और देखो एक चीज दिखाता हूँ आपको, अभी नैनो में आ रखा हूँ। इसकी टंकी देखो एकदम खाली दिखा रहा था, अब एक डंडी हो गई, अब दो डंडी हो गई। इसके मीटर में पता नहीं क्या है, कभी एकदम खाली हो जाता है फिर धीरे धीरे भरने लग जाता है। चलो अब नैनो को लेके चलते हैं बाहर। तो फाइनली नैनो को लेके गली से तो बाहर निकल गया। मेन टास्क तो गली से ही बाहर निकालना होता है। और इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाटा नैनो के लिए कौन सा टायर साइज ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो बहुत लोग ना पूछ रहे थे मेरे से कि हमें टाटा नैनो का साइज जो है टायर साइज वो अपग्रेड करना है तो कौन सा करें, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और बाकी ये चीज़ हर नैनो के लिए अलग अलग है। अगर आपके पास पावर स्टीयरिंग वाली नैनो है तो उनके लिए अलग है, मैनुअल वाली नैनो है तो उनके लिए अलग है। जैसे मेरे पास जो नैनो है ये पावर स्टीयरिंग नहीं है, तो इसीलिए अगर आपके पास पावर स्टीयरिंग वाली होगी तो आपके लिए अलग चीज़ें होंगी। यहाँ से लेफ्ट ले लूँ क्या? चलो यहाँ से लेफ्ट चलते हैं आज। बस ये गली पार हो जाए उसके बाद तो स्मूथ रोड है, मतलब स्मूथ तो नहीं है लेकिन आराम से निकल जाऊंगा उसके बाद। चलो फाइनली मेन रोड पे आ गया। यार नैनो का ये वाला ना शीशा ख़राब हो चुका है, तो देखता हूँ आज शीशा खरीद के ले आऊँगा शाम को। बहुत ही ज़्यादा डाउन चला गया ये, तो अब तो ये रिपेयर भी नहीं हो सकता शायद। बाकी एक बार कोशिश कर लूँगा रिपेयर करने की भी, अगर हो जाए तो। और अभी मैंने एसी नहीं चला रखा है, देखो शीशे खोल रखे हैं पर बंद कर लेता हूँ, लोग झाड़ू बाड़ू लगा रहे हैं सुबह सुबह। एसी बंद करके तो इसकी पावर अलग ही हो जाती है। वैसे तो अभी के टाइम शीशे बंद करके भी एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि इतनी गर्मी नहीं लग रही सुबह के टाइम पे। और अब यार जो उजाला है काफ़ी ज़्यादा लेट होता है, मैं तो 4 बजे का उठ रखा हूँ। वैसे मैं डेली 4 बजे ही उठ जाता हूँ लेकिन उजाले का इंतज़ार करते करते 6:30 होने वाले हैं। चलो अब मेन रोड पर पहुँच जाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो सबसे पहले ना मैं आपको टाटा नैनो का वो दिखा देता हूँ टायर साइज। तो इसमें ना पीछे का टायर थोड़ा बड़ा आता है, आगे का टायर थोड़ा छोटा आता है। ये देखो यहाँ पे लिखा है पीछे का टायर है इसका 155/65R12। 155 मतलब जो इसकी चौड़ाई है वो 155 है और ये साइड वॉल जो है वो 65 है। और वहीं अगर हम आगे के टायर की बात करें तो आगे का टायर इसमें हमें थोड़ा सा कमज़ोर मिलता है। कहाँ लिखा है, कहीं ना कहीं तो लिखा था यार। हाँ ये देखो यहाँ लिखा है, दिख नहीं रहा है साफ साफ लेकिन लिख रखा है 135/70R12। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 135 है और 12 इंच का व्हील है इसमें, मतलब रिम है 12 इंच का। तो ये साइज मिलता है आपको एक स्टॉक टाटा नैनो के अंदर। देखो मेरी नैनो के टायर इधर से कैसे लगते हैं, इधर से इसमें व्हील कवर नहीं लगाया ना तो कैसे से लग रहे हैं, और इधर से इतने मस्त लगते हैं। व्हील कवर भी लाने थे यार इसके, ये देखो इधर क्या बढ़िया लग रहे हैं। इधर से लग नहीं रहा है, बेस मॉडल है और उधर से बेस मॉडल लग रही है, इधर से बढ़िया लग रही है देखने में। जब मैं आगरा गया था ना तो तब खो गए इसके 2 व्हील कवर, रास्ते में गिर गए थे। फिर मैं जैसी गाड़ी रोकी तब तक कोई लेके ही भाग गया आगरा में। पता नहीं कैसे लोग हैं आगरा के, व्हील कवर लेके भाग जा रहे हैं, पता नहीं क्या काम आएंगे उनके। पर चलो कोई नहीं, ऐसी सेम मिलेंगे ना तो सेम डलवाऊँगा। ये वाले मेरे को सबसे ज़्यादा बढ़िया लगे, ये देख रहे हो देखने में क्या मस्त से लगते हैं, तो यही वाले डलवाऊँगा। वैसे ज़्यादा महंगे नहीं आते, 350-400 रुपये के आ जाएंगे चारों व्हील कवर, लेकिन चारों खरीदने पड़ेंगे मेरे को, 2 नहीं मिलते ये मैंने पता किया था, तो 4 ही मिलते हैं। और इन्होंने ना आगे टायर पतला इसलिए दिया होगा मेरे ख्याल से, अगर हम हैंडल एक तरफ काट देंगे तो टच ना हो बॉडी पे, इसलिए मेरे ख्याल से आगे हमें थोड़ा पतला टायर मिलता है और पीछे थोड़ा चौड़ा टायर मिलता है 155 सेक्शन का। और उसके अलावा ग्रिप व्रिप में भी काम आता होगा चौड़ा टायर, पतला टायर में थोड़ी कम ग्रिप रहती है। लेकिन जो एकदम ही पुरानी वाली टाटा नैनो आती थी ना, और वो भी उसका बेस मॉडल, उसमें आपको पीछे भी 135 सेक्शन का टायर मिलता था, जैसा आगे मिलता है ना वैसे एकदम पीछे भी मिलता था।
लेकिन LX में ये पीछे चौड़ा देते थे, फिर उसके बाद तो ये बेस मॉडल में भी चौड़ाई देने लग गए थे पीछे। आगे तो वही मिलता है शुरू से लेकर एंड तक, 135 सेक्शन का टायर। तो आगे वाले टायर में इन्होंने छेड़खानी नहीं करी कभी भी। और अभी के टाइम पहन रखी है मैंने अपनी महादेव प्रिंट वाली टी शर्ट। क्या बढ़िया टी शर्ट है यार, एकदम कंफर्टेबल रहता है। और क्वालिटी देखो, प्रिंट की क्वालिटी देखो। तो अगर आपको भी ऐसी टी शर्ट खरीदनी है तो आप खरीद सकते हो gymcasm.com पे जाके, और वहां पे मेरा कूपन कोड यूज कर लेना चेकआउट करते टाइम Rawat30, उससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। तो जाओ फटाफट खरीदो। और अब देखो टाइम कितना हो चुका है, 7 बजने वाले हैं, तो अभी जल्दी ना घर भी निकलना पड़ेगा क्योंकि ऑफिस का टाइम शुरू हो जाता है, स्कूल का टाइम शुरू हो जाता है, तो भीड़ लग जाती है रोड पे। और ऊपर से कंपनी ने ना आगे पतला टायर इसलिए भी दिया होगा जिससे हैंडलिंग थोड़ी इजी रहे। इसमें वो नहीं मिलता था ना पहले पावर स्टीयरिंग, तो जिसकी वजह से हैंडल थोड़ा टाइट ना रहे, हल्का सा रहे, तो इसलिए मेरे ख्याल से आगे पतला टायर दिया होगा। उसके अलावा और भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक रीजन हो सकता है। और कभी भी आप अगर चौड़ा टायर डलवाते हो ना, मतलब जितनी आपकी गाड़ी में स्टॉक आता है उससे थोड़ा सा भी आप चौड़ा डलवाते हो तो थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता ही है, चाहे वो परफॉर्मेंस में हो, माइलेज में हो, हैंडलिंग में हो। लेकिन अगर आपकी गाड़ी के अंदर पावर स्टीयरिंग आता है तो उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैनुअल स्टीयरिंग आता है तो उसमें थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ जाता है। अगर ये पावर स्टीयरिंग वाली नैनो होती ना तो इसमें इतना फर्क नहीं पड़ता, तो थोड़ा आप टायर बड़ा भी कर देते हो तो झेल जाती है गाड़ी। लेकिन ये मैनुअल स्टीयरिंग है तो इसमें जितना बड़ा टायर आप करते जाओगे ये उतना ज्यादा हैवी होता जाएगा। तो एक ये भी नुकसान है मैनुअल वाले स्टीयरिंग का, इसमें आप टायर साइज ना ज्यादा अपग्रेड नहीं कर सकते, वही पावर स्टीयरिंग में आप बहुत ज्यादा टायर साइज अपग्रेड कर सकते हो। उसमें तो ये भी अगर टायर फिट नहीं हो रहा तो आप कटिंग वटिंग भी कर सकते हो और लगा सकते हो टायर। वैसे तो लोग मैनुअल स्टीयरिंग में भी कर देते हैं टायर साइज बहुत बड़ा अपग्रेड, पर वही है फिर ड्राइव क्वालिटी ना थोड़ी खराब सी हो जाती है, परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, हैंडलिंग खराब हो जाएगी। हाँ ये है कि स्टेबिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको परफॉर्मेंस, माइलेज और हैंडलिंग से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। वही एक चीज आप ज्यादा ही बढ़ा दोगे तो और चीजें कम हो जाएगी, लेकिन वही सारी चीज आप अगर बैलेंस रखोगे तो आपको सारी चीजों के बेनिफिट मिलेंगे। तो इसीलिए अगर आपको अपना टायर साइज अपग्रेड करना ही है, अगर आपके पास पावर स्टीयरिंग है तो आप 145 155 तक करा सकते हो आराम से 12 इंच में। और यहाँ मैं रिम साइज की अपग्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, 12 इंच में ही बोल रहा हूँ, बस चौड़ाई की बात कर रहा हूँ। वैसे तो नैनो जैसी गाड़ी में चौड़ाई अपग्रेड करने से ही काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है, तो इसलिए रिम चेंज करने के बारे में तो सोचना भी मत अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है और आप फालतू के झंझट में नहीं पड़ना चाहते। वैसे तो लोग करा भी देते हैं, 12 इंच भी करा देते हैं, 14 इंच भी करा देते हैं टाटा नैनो में, कुछ कुछ ने 15 इंच भी लगवा रखा है, लेकिन वो किसी काम की नहीं है, वो बस ऐसी शौक के लिए है। अरे यार कुछ भी नहीं दिख रहा सामने का। और जब ना मैं अपना टायर चेंज करवाने जा रहा था तो मैंने इसमें एक टायर चेंज करवा रखा है, बाकी के 3 तो मेरे को नए लगे हुए मिले थे जब मैंने खरीदी थी, लेकिन जो एक टायर था वो घिस रखा था इसका बहुत ज्यादा। तो जब मैं उसे चेंज कराने गया था ना तो दुकान वाला मेरे से बोल रहा कि 135 सेक्शन का टायर अब आना बंद हो चुका है, कंपनियों ने बनाना बंद कर दिया है, तो आप 145 या फिर 155 बोल रहा था, इन दोनों में से कोई बोल रहा था, तो बोल रहा था ये लगवा लो, यही लगेंगे इसमें। और आगे मेरा एक 135 लग रहा था तो वो बोल रहा था दोनों ही चेंज करा के दोनों 145 लगवा लो आगे, लेकिन मैं उस दुकान वाले की बातों में नहीं आया और मैंने दूसरी दुकान में पता किया, तो वहां पे मेरे को मिल गया 135 सेक्शन का टायर MRF का, फिर मैंने वहां से डलवा लिया, 2200 रुपए का डला था वो। और फिर मैंने वेबसाइट पे चेक किया ना तो उसमें भी दिखा रहा था कि अवेलेबल है, अभी बनाता है MRF, लेकिन जिन दुकानदारों के पास अवेलेबल नहीं होता है ना कुछ चीज तो वो ऐसी चिपकाने के लिए बोल देते हैं कुछ ना कुछ, इसीलिए ऐसे किसी की बातों में मत आना। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी होगा, मेरे साथ भी हो जाता अगर मैं उसकी बातों में आ जाता और 2000 की जगह मतलब 2200 की जगह दो टायरों के पैसे खर्च करके आ जाता, बल्कि मेरा एक टायर एकदम नया ही था और एक स्टेफनी में है वो थोड़ा सा पुराना है लेकिन वो भी इतना ज्यादा नहीं घिसा। अब तो यार एकदम से ही धूप आ जाती है, पहले तो अंधेरा रहता है सुबह 6 बजे तक, फिर आधे घंटे में ही उजाला हो जाता है और उसमें इतनी तेज धूप भी आ जाती है। और अगर आपको अपनी टाटा नैनो में रिम का साइज अपग्रेड कराना है तो उसके लिए तो आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको लिफ्ट किट लगवानी पड़ेगी उसमें, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है इसमें, और उसके अलावा कटवानी भी पड़ सकती है, तो बहुत झंझट है रिम बढ़ाने में तो। और फिर कार आपकी इतनी रिलायबल भी नहीं रहेगी, गड्ढे में आपको आराम से चलानी पड़ेगी, गलती से तेज चला दी तो रिम टूट जाएगा, मतलब एलॉय टूट जाएगा, या तो फिर ऐसा हो कि आपको लेना देना ही ना हो, आपकी गाड़ी ऐसी खड़ी रहती हो, ज्यादा चलती ना हो, तब तो आप करा भी सकते हो ओनली वन इन इंडिया बनाने के लिए, आजकल लोग यही तो करते रहते हैं। लेकिन अगर आपकी वो गाड़ी जरूरी है, आपको डेली उससे जाना पड़ता है इधर उधर काम पे,
तब सही नहीं है कराना। गाड़ी तो यार ये बहुत ज्यादा मस्त है, टाटा नैनो। क्या गाड़ी बनाई है टाटा ने भी। ये लगा लो, इसमें मैनुअल स्टीयरिंग है लेकिन फिर भी इतना लाइट हो जाता है जब ये चलती है। हाँ जब खड़ी रहती है जब तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, लेकिन वैसे तो हल्का ही रहता है, इतना हार्ड नहीं रहता, आप एक हाथ से भी चला सकते हो इसे। हाँ बस टर्न पे थोड़ी मुश्किल होती है, अगर एकदम ही शार्प टर्न होता है ना तो उसमें हार्ड हो जाता है ये, नहीं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें बिल्कुल भी, 1% भी। अब जैसे ये वाला टर्न है ये बहुत ही ज्यादा शार्प टर्न है, अब जो आएगा इसमें नहीं मुड़ पाएगी एक हाथ से, मुड़ भी जाएगी तो थोड़ी ज्यादा जगह लेगी मुड़ने में। ये वाले टर्न की बात कर रहा हूँ मैं। अरे यार लोगों को गाड़ी मोड़नी नहीं आती है, पूरी लेन ही बदल देते हैं टर्न में, जिसकी वजह से फ्लो रुकता है ट्रैफिक का। जैसे ये वाला टर्न है इसमें शायद मुड़ जाए, हाँ इसमें मुड़ जाएगी देखो, लेकिन रिस्की है एक हाथ से मोड़ना, अगर आपको प्रैक्टिस ना हो तो मत करना। नैनो एक वो है कॉम्पैक्ट एसयूवी, आजकल तो लोग एस्प्रेसो को भी एसयूवी बोल देते हैं तो हम नैनो को भी बोल ही सकते हैं, क्योंकि इसमें तो थोड़े थोड़े फीचर हैं एसयूवी वाले, जैसे कि जो एसयूवीज होती है ना वो रियर व्हील ड्राइव होती है, और अपनी नैनो भी रियर व्हील ड्राइव है। एसयूवीज का ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होता है, टाटा नैनो का भी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा है, कितना भी बड़ा ब्रेक करो इसे सीधा चढ़ा दो लगती नहीं है नीचे। तो फाइनली टाटा नैनो को लेके पहुंच चुका हूँ वापस घर, और यार अभी के टाइम तो बहुत भीड़ हो गई, बताओ इतनी जल्दी भी लोग भीड़ लगाने लग गए हैं, अभी तो 7:30 भी नहीं हो रहे हैं, फिर भी ना रोड पे ऐसा लग रहा है जैसे 8:30-9 बजने वाले होंगे, इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है आजकल। पता नहीं दिल्ली में क्या हो गया है, भीड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, मेरे ख्याल से और सारे लोग आ गए दिल्ली में रहने के लिए। हर साल ट्रैफिक बस बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि निकलना ही नामुमकिन हो जाएगा घर से, उस टाइम तो फिर दिल्ली छोड़ना ही पड़ जाएगा, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है यहाँ रहने का। ये लगा लो ना यार 10 किलोमीटर के रास्ते में भी 1-1.5 घंटा लग जाता है जब पीक टाइम चल रहा होता है ऑफिस का। और आज यार बहुत ज्यादा तगड़ी चीज आने वाली है तो वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, मैंने बताया था ना मैंने एक माइक ऑर्डर किया है तो आज आ जाएगा वो, कल दिखाऊंगा आपको कल वाली वीडियो में। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अब आपसे मिलता हूं कल अगली वीडियो में, जय हिंद।